जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, यह निश्चित विश्वास रखो कि तुम पर श्री कृष्ण का परम अनुग्रह है। सारी चिंताओं को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण का ही चिंतन करो। फिर जहाँ जब जो कुछ करना कराना होगा वे अपने आप ही करेंगे कराएंगे। अभी भी वे ही करते कराते हैं, पर तुम अपनी चिंता आप करने लगते हो, इससे उनके करने का अनुभव नहीं कर पाते हो। इस गंदे शरीर की तो बात ही क्यों सोचते हो, तुम तो यह शरीर नहीं हो। तुम जो हो सदा उनके पास ही हो, वे सदा ही तुम्हारे पास हैं। वे तुमको कभी छोड़ना ही नहीं चाहते, तुम चिंता क्यों करते हो। निरंतर उनकी सन्निधि का अनुभव करके मुग्ध होते रहो, परमानंद मानो, परमानंद मनाओ। जब भगवान ने तुमको अपना लिया और तुम भगवान के हो गए, तब तुम्हें क्यों दुख सहना होगा, दुख ही क्यों होगा। और यदि नहीं होगा, और यदि कहीं होगा तो उसे भगवान ही भोगेंगे, तुम क्यों भोगोगे। जिसके पास मन है वही मन के सुख दुख को भी भोगेगा। किसी ने मुझे अपना मकान दे दिया, मैं उसे लेकर उसमें नित्य रहने लगा। फिर उस मकान की सर्दी गर्मी गंदगी सफाई मैं ही तो भोगूंगा, देने वाला क्यों भोगेगा। अतएव भगवान के होकर तुमको तो सदा सदा परम सुखी ही रहना चाहिए। सुख दुख भोगना हो तो वे अपने आप भोगें, और वे ही भोगते भी हैं। तुम उनके हृदय की भीतरी कोठरी में घुसकर देखो तो तुम्हें पता लगे। सर्वथा निर्लेप रहते हुए भी हमारे सुख दुख के एकमात्र भोक्ता वे ही हैं। निस्संदेह भोग रहे हैं सुख दुख सारा, सदा हमारे प्रिय भगवान। बैठे अंदर काल कोठरी में उसको निज मंदिर मान। कभी नहीं वे जरा उबते, नहीं जताते कुछ एहसान। व्यर्थ छेड़ते रहते हैं हम मूढ़ बुद्धि की मिथ्या तान। संसार में सर्वत्र भगवान भरे हैं, इस बात को न देखकर हम अपने मन की अनुकूलता खोजते रहते हैं। इसी से दुख बना रहता है। सदा सर्वत्र भगवान को देखें, उनका अनुभव करें। वे हमारे हैं, हम उनके ही हैं। यह सदा अनुभव करते रहें। फिर संसार की कामना वासना कहाँ रह सकेगी और कैसे रह सकेगी। भगवान नित्य तुम्हारे पास हैं, इस बात का पक्का विश्वास रखो। अनुभव कम होता है तो कोई बात नहीं, सत्य का अनुभव होने में क्या देर लगती है। जब होगा तब प्रत्यक्ष ही हो जाएगा सदा के लिए। मन में यह विश्वास रखना चाहिए। शरीर कहीं भी रहे, उनको तो नित्य निरंतर साथ रहना ही पड़ेगा। एक क्षण भी अलग रहें या रहने दें, यह उनका स्वभाव ही नहीं है। हम चाहें उन्हें न देख पाएं, पर वे तो सदा हमें देखते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, और बीच बीच में विचित्र भाव भंगिमाओं के द्वारा अपना अनुभव भी कराते रहते हैं। उनका दृढ़तम संबंध ऐसा विचित्र है कि वह कभी भंग तो हो ही नहीं सकता। क्षण भर के लिए भी भगवान हमसे पृथक नहीं रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। प्रभु से प्यारा है न्यारा है, जैसा जो कुछ भी संबंध। काट दिए हैं उसने मेरे, यहाँ वहाँ के सारे बंध। रहते मेरे साथ निरंतर, प्रभु क्षण दूर नहीं होते। अनुभव सदा कराते अपना, हर स्थिति में जगते सोते। रहूं कहीं भी कैसे भी, वे रहते नित्य पास मेरे। रहते नित भीतर बाहर से,
चारों ओर मुझे घेरे, वे मेरे कैसे अपने हैं, कैसे बताऊं मैं कैसे। अनुभव होता है पर नहीं बता सकता गूंगा जैसे, वे मेरे कैसे अपने हैं, इसे बताऊं मैं कैसे। अनुभव होता है पर नहीं बता सकता गूंगा जैसे। मुकास्वादनवत, उनकी अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, पर निश्चय ही वे सदा सर्वदा हमारे साथ हैं। इस पर विश्वास करो तथा अनुभव भी करो, वे अपने आप ही अनुभव भी कराते रहते हैं। यदि तुम सर्वथा भगवान के समर्पित हो चुके हो, फिर तो अपनी चिंता क्यों करते हो। तुम्हारा अपनापन तो सारा भगवान की वस्तु बन चुका है, तुम्हें राग विराग से क्या मतलब है। तुम अपनी जगह अपने को भगवान के हाथ का एकमात्र खिलौना समझो। वे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करें, तुम अपना अधिकार क्यों मानते हो। तुम अपना अधिकार क्यों मानते हो। न तो तुम्हें अब अपने लिए चिंता शोक करने का अधिकार है, न संसार की किसी परिस्थिति को लेकर हर्ष और उल्लास करने का। तुम तो निश्चिंत रहकर परमानंद स्वरूप प्रभु का अनवरत चिंतन करते रहो। चिंता करनी होगी तो वे आप करेंगे। संसार की कुछ भी स्थिति रहे, तुम्हारे पाप तो उसी क्षण नष्ट हो गए थे जिस क्षण तुमने अपने को उनके चरणों में समर्पण कर दिया था। अब वे चाहें तुम्हारी खूब बड़ाई करें या तुम्हें खूब कोसें, फटकारें, अपमान करें, तुमको न अपनी बड़ाई माननी है न फटकार अपमान। वे अपनी ही बड़ाई करते हैं और अपने को ही कोसते और फटकारते हैं। तुम्हें न तो बड़ाई सुनकर फूलना चाहिए, न अपनी बड़ाई मानकर संकोच करना चाहिए। इसी प्रकार न तो अपमान निंदा से दुखी होना चाहिए और न अपनी निंदा मानकर शोभ ही करना चाहिए। तुम्हारी बड़ाई कौन करता है। वे तो अपनी वस्तुओं की बड़ाई मानकर, वस्तु को बढ़िया मानकर, अपनी वस्तु पर रीझ कर, अपनी वस्तु से आप सुखी होकर, अपनी वस्तु के गुणगान करने के बहाने प्रकारांतर से अपना ही गुणगान करते हैं। वे अपने से तुमको अलग मानते ही नहीं, तुम्हें अपने में मिलाकर, स्वयं मिलकर वे अपने आप में ही अपने आप खेल करते हैं। तुम बस एक खिलौने हो, पर वह खिलौना भी वे आप ही बने हैं। अतएव तुम सदा ही मौज में रहो। जगत का कोई रूप सामने आए, कैसी भी परिस्थिति आवे, तुम यही समझो वे तुम्हारे हैं, तुम उनके हो। न तुम्हारा अन्य कोई है, न तुम अन्य किसी के हो। फिर चिंता, भय, मान, मद, विषाद को स्थान ही कहाँ। तुम्हारे लिए तो दुख, भय, शोक नाम की वस्तु ही नहीं रह गई है, अधिक क्या कहा जाए। किसी भी वातावरण में रहो, वे तुम्हें नित्य अपनाए हुए हैं, तुम तो केवल उनके नाम का जप करते रहो। श्री राधा माधव तुम्हारे हृदय में ही बसे हैं, स्मृति और उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ाते रहो, वे स्वयं ही तुम्हें सारे विघ्नों से बचाएंगे। जय श्री राधे।